वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के ऑल आउट 2024 का मेन इवेंट शुरू होने वाला है, जहां पर AEW के इस साल के ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर पहली बार AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW के अंदर कोई बिना टाइटल का मैच पेपरव्यू को मेन इवेंट करेगा, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ऑल आउट के ऊपर उनकी ग्रेटेस्ट राइवल स्वर्व स्टिकनेट को फेस करने वाले गए। और इन दोनों रेसलर्स के AEW में साल भर के लंबे राइवलरी के बाद रिसेंटली यहां पर हैंगमैन एडम पेज के स्वर्व स्टिकनेट के हाउस को बर्न करने के बाद हैंगमैन एडम पेज से स्वर्व यहां पर डेफिनेटली उनका बदला लेना चाहेंगे, और इसीलिए ऑल आउट के ऊपर इन दोनों का मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि स्टील केज मैच होने वाला है। और स्टील केज के अंदर भी हमें यहां पर अनसेंसर लाइट्स आउट रूल देखने को मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि स्टील केज के अंदर हमें यहां पर काफी सारे वेपन देखने को मिलेंगे और इन दोनों में से जो चाहे उस वेपन को यूज कर सकता है। और बात करें अगर यहां पर इस मैच के विनर की, तो गाइस क्योंकि AEW के ऑल आउट के ऊपर ये मैच यहां पर स्टील केज है, तो मैच के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस तो नहीं हो सकती गए। बट बात करें अगर यहां पर मैच के विनर की, तो ऑल आउट के ऊपर पॉसिबली यहां पर AEW के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड वर्सेस हैंगमैन एडम पेज के इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज स्वर्व को बीट करने वाले गए, क्योंकि AEW के अंदर करंटली यहां पर हैंगमैन एडम पेज की स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट है, और हैंगमैन एडम पेज के AEW में काफी जबरदस्त हील बनने के बाद हैंगमैन एडम पेज का स्वर्व को बीट करना AEW का सही डिसीजन होगा।